आरक्षण के मुद्दे पर मराठा ओबीसी विवाद एक बार फिर शुरू हो गया है। सरकार की नीतियों के कारण जातियों और उच्च वर्गों का वर्चस्व बढ़ने और बेरोजगारी बढ़ने से असंतोष बढ़ा। भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष की तरफ से 18 जुलाई राष्ट्रीय मांग दिवस पर संविधान चौक में विशाल प्रदर्शन किया गया। जातीय जनगणना कराई जाए, आरक्षण पर 50% की सीमा हटाई जाए, युवकों की बढ़ती बेरोजगारी के कारण सरकार की नीतियों से युवकों और आम जनता भी काफी परेशान हो चुकी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वर्तमान महासचिव ने 2017 को राज्यसभा में जातीय जनगणना कराई जाए और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाई जाए इस तरह का प्राइवेट बिल राज्यसभा में पेश किया है। सरकार लगातार इस मांग का विरोध करती रहती है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसके लिए लड़ने का वादा किया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जानिब से आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी जिलाधिकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन हो रहा है और जिला अधिकारी के मार्फत राष्ट्रपति को निवेदन भेजे जा रहे। क्या मकसद है इस आंदोलन के पीछे का, तो आपको ज्ञात होना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो 1925 में स्थापन हुई, 1930 में सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आरक्षण का ठहराव, जो मागास वर्गीय जातियां है उनको आरक्षण देना चाहिए, यह 1930 में मांग की थी। हम देखते हैं कि भारत के संविधान ने हमारे दलित भाइयों को और आदिवासी भाइयों के लिए SC ST कैटेगरी के तहत संवैधानिक आरक्षण दिया, मगर हमारे देश में OBC की जनगणना, जातीय जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, 1931 के थे, उसके कारण संवैधानिक आरक्षण OBC को लागू नहीं हो पाया। कालेलकर अवार्ड परास्त हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि जो आयोग बना, उनका आयोग मंडल आयोग ने ये शिनाख्त किया 2300 जातियों को, जिसको OBC के तहत, और 1980 में बने इस आयोग ने सिफारिश की कि इनको लोक संख्या के प्रमाण में आरक्षण देना चाहिए। भारत में चूंकि 52% OBC की संख्या थी और 52% आरक्षण OBC को मिलना चाहिए था, मगर हमारे देश में एक न्याय व्यवस्था है जहां उच्च वर्णियों का बोलबाला है और उन्होंने इसकी मर्यादा ही 50% कर दी, क्योंकि 7% आदिवासी और 13-15% हमारे अनुसूचित जातियों के भाई को आरक्षण था, और हम देखते हैं कि फिर बचा खुचा तो 27% आरक्षण केंद्र में OBC को लागू हुआ, और महाराष्ट्र में SC ST NT है, अन्य कैटेगरी है, तो 19% आरक्षण लागू हुआ। अब बार बार ये सवाल न्यायालय भी उपस्थित करते थे कि OBC की जाति जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं, और इसलिए इस देश में मांग हुई। सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मांग की कि इस देश में जाति जनगणना होना चाहिए। हमारे अभी वर्तमान के महासचिव कॉमरेड डी राजा 1917 में राज्यसभा के मेंबर होते हुए उन्होंने निजी विधेयक लाया था राज्यसभा में कि यह जातीय आरक्षण होना चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मखलासी करके जो 50% की मर्यादा लगाए, क्या जरूरत थी मर्यादा, मगर चूंकि उच्च वर्णीय जाति है, उच्च वर्गीय जातियों को फायदा मिलना चाहिए करके ये मर्यादा लाई गई, तो मर्यादा को हटाया जाए। ये एक खाजगी विधेयक राज्यसभा में रखा गया, बहुत चर्चा हुई, उस वक्त कांग्रेस जैसे पार्टी ने भी इस पर गौर नहीं किया था, मगर हम देखते हैं कि राहुल गांधी जैसे नेता को जब पदयात्रा में गए, 10,000 किलोमीटर घूमे, जनता के बीच में गए, तो यह सामने आ गया, उनको समझ में आ गया कि हमारे देश में जो पहचान है वो जातीय पहचान है, और इस देश पे उच्च वर्णीय और उच्च वर्गीय ये सत्ता पर कब्जा जमाए बैठे हुए, और इसलिए उनके सामने भी सवाल आया कि जातीय जनगणना होना चाहिए, और 2024 के लोकसभा चुनाव का मुद्दा था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये सवाल कर रही मोदी से कि 2021 की जनगणना आपने अब तक नहीं की, कोरोना बहाना था, अब आपको करना तो पड़ेगा, और अब हम ये मांग कर रहे पूरे देश भर में कि ये जातीय जनगणना होना चाहिए पूरे देश में, वो जातियों OBC की जातियों के जात के नाम उनके आंकड़े आ जाए, भारत के समाज का एक्सरे हो जाए, और ये तय है कि इस देश में जनतंत्र है, इसलिए लोगों की भागीदारी उनके अनुपात में होना चाहिए। SC को अगर 15% है, ST को उनके लोक संख्या के प्रमाण में 7% है, तो OBC के जातियों को भी ये आरक्षण मिलना चाहिए उनके लोक संख्या के प्रमाण में। ये OBC और मराठा जो झगड़ा चल रहा, काय के लिए झगड़ा चल रहा, जहां तक देखा जाए तो मराठा लोग भी तो OBC में आते, जरांगे का कहना वही है, मगर चूंकि उस वक्त मराठा ये छाननों कुड़ी इनके आंग में आ गई थी और उन्होंने बाबा साहेब को इनकार कर दिया था, और उसके कारण वो सूची में रह के भी बाहर है,
अब उनको अक्कल आ गई, जमीन के टुकड़े हो गए, बंटवारे हो गए और मराठा के बहुत से लड़के बेरोजगार हो गए, तो ऐसी हालात में वो भी अब मांग कर रहे हैं और इसके कारण ओबीसी और मराठा ये संघर्ष शुरू है। इसका भी इलाज मोदी को ये समझना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर ये झगड़े ना हो, आपस में जातीय संघर्ष ना हो, इसलिए जातीय जनगणना करना यह सामायिक मांग है। 2025 में जो जनगणना होगी उसमें जातीय जनगणना होना चाहिए, इस मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन है, हमारा आंदोलन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, और हम जिलाधिकारी को मिलकर राष्ट्रपति के नाम का निवेदन उन्हें सौंपने जा रहे हैं और ये मांग पूरे देश में हर जिले में हो रही है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से यह ऐलान कर रहा हूँ, आवाज दो सब, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, अरे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद। कारण न्यूज के लिए विलास पराते की रिपोर्ट। श्रीवल्ली इंफ्रा, योर सक्सेस आर ड्रीम्स, अब आपके सपनों का घर होगा अपना। आज ही अपने सपनों का प्लॉट बुक करें श्रीवल्ली इंफ्रा के साथ। वर्धा रोड नागपुर में मात्र 9,90,000 से शुरू। महारेरा रजिस्टर्ड लेआउट, सुकली हिंगना झरी वर्धा रोड, पांचरी फार्म शंकरपुर, बुट्टी बोरी मोहगांव, चामठा मिहान जैसे लोकेशन पर वाएं विशेष सुविधाएं जैसे सीमेंट रोड, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी विद अट्रैक्टिव गेट एंड मेनी मोर फैसिलिटीज आर अवेलेबल। 80% बैंक फाइनेंस आर आल्सो अवेलेबल। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट 0712-350-7162। ऑफिस एड्रेस F2122 जयंती नगरी 4, अबाउ पूर्ति सुपर बाजार, मनीष नगर, बेसरोड, नागपुर।